मैडम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एक बार आगे नंबर पे जो फॉर्म खारिज किया बिल्कुल गलत आधार पे खारिज किया गया है। निर्वाचन अधिकारी यहाँ सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के बतौर यहाँ व्यवहार कर रहे हैं जो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए कहते हैं सर्वशक्तिमान है। ये सर्वशक्तिमान और ताकत के बल पर ये सारे चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं। ये दीपक मांगीलाल को ये आप इसका फोटो ले लो, इसमें इन्होंने दो सिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना का घोषणा पत्र का प्रारूप अपूर्ण बताया है, जबकि वो प्रारूप पूर्ण है। यहाँ कह रहे हैं कि उपबंध एक शपथ पत्र में दस्तखत नहीं है, 10 पन्नों के शपथ पत्र में सब दस्तखत है। एक जिसने सूचना को लेना देना पीछा की जो कॉलम बना हुआ है इनके परफॉर्म में, उस कॉलम के अनुसार दस्तखत भी किए हुए नोटरी से पूरा शपथ पत्र तस्दीक है, फिर भी कह रहे हैं कि साहब शपथ पत्र पूर्ण है। शपथ पत्र पूर्ण अगर था तो उनको ये मीमो देना, उस मीमो में लिखना चाहिए था या क्रॉस नहीं करना चाहिए एक नंबर पे कि आपका शपथ पत्र पूर्ण है तो हम उसको पूर्ण करें, और यह जो कमियां हैं उस कमियों को पूर्ण कराने का निर्वाचन अधिकार दायित्व है। उस दायित्व के तहत उन्होंने ये नोटिस दिया। नोटिस में तो ये कहा कि भाई दो सिद्धि है मुकदमों का पूर्ण है, वो घोषणा पत्र हमारा पूर्ण है, उसके बाबत कोई आपत्ति नहीं है। या मैं आपको और बताऊँ किस प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं और किस प्रकार की तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, इसका कोई नमूना आपको के हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। अब ये जैसे मुकदमा है ये सूचना देनी है, अभी हमने ये लिख दिया 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक दंडनीय निम्नलिखित आपराधिक मामले मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप विरोचित नहीं किया गया, हमने लिख दिया लागू नहीं। अब ये देखे यहाँ आपने डैश नहीं किया तो हमारे अगर अपराध लागू हो तो हम विवरण देंगे, लागू नहीं हो तो विवरण किस बात का दें। इसी प्रकार से फॉर्म खारिज कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरोचित कर दिए गए हैं, मतलब आपने लिख लिया लागू नहीं, उसके लागू नहीं है। अगर आरोप हमारे खिलाफ विरचित है तो हमको ये डिटेल देनी है। हमने कहा ये पॉइंट हमारे ऊपर लागू ही नहीं है। जैसे लिखा मुझे आपराधिक मामले में दोष सिद्ध किया गया है नहीं किया गया है, हमने कहा अभी दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो हमको ये सूचना देने की जरूरत नहीं है। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त दोष सिद्ध किया गया तो निम्न सूचना देगा, दोष सिद्ध करूंगा तो सूचना दूंगा, नहीं तो मुझे ये कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया लागू नहीं है मतलब इसकी जरूरत नहीं है, दोष सिद्ध नहीं है मतलब इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे कॉलम खाली है। इस प्रकार से अगर फॉर्म निर्दलीयों के भी खारिज किए बहुत सारे, रात्रि को 12 बजे 2 बजे तक कांग्रेस वालों को बुला करके सारे फॉर्म पूर्ण कराए। आज विधायक महोदय का जो पीए है वो 9:45 इसके अंदर था, अगर कैमरे है निर्वाचन विभाग के पास में तो ये सीसीटीवी टीवी से कैमरों से इसका सत्यापन कर सकते हैं। 11:30 तक इन्होंने दरवाजे नहीं खोले और आपने कहा 11 बजे से पहले आप इसकी पूर्ति कर सकते हो, तो 11 बजे से पहले जावे का 11:30 तक आपने दरवाजे नहीं खोले, 11:30 तक हमने जाके जोर किया कभी आपने 11 बजे तो कभी हमारे पास समय नहीं है, 8 बजे से लोग आए बैठे हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी विस्तृत रूप से कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ऐसे निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में बाड़मेर की नगर परिषद का निर्वाचन है, ये स्वतंत्र रूप से संभव ही नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या का। आप सबने अभी कलेक्टर से मुलाकात की, कलेक्टर ने क्या बोला? जिलाधीश महोदय से मिले, उनको हमने बताया इस प्रकार से हमारे गलतियां नहीं है। उन्होंने कहा मैं एसडीएम साहब से बात करता हूँ, आप उनसे बात करो। मैं उनके पास आकर अभी हम मिले, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी है, हमारे यूएटी की पूर्व चयन प्रियंका जी है, हम सब जाकर मिले, प्रत्याशी हमारे साथ था, उन्होंने कहा मैंने तो खारिज कर दिया तुम्हारे करना होगा। अब क्या बीजेपी का अगला रूप क्या होगा? अब और दूसरा नंबर अब हम ये नगर पालिका का हमने कह दिया है इस समीक्षा जो राजागिरी से और ये सत्ता के गुत्ते पर बाड़मेर के नगर पालिका का बोर्ड है उस पर काबिज होना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों से बाड़मेर की अभी प्लांट हुए प्रोसेस में आई नहीं है, उससे पहले ही सीवरेज जाम हो रही है,
करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। इनको कौन करवा कौन रहा है? करवा सत्तारूढ़ दल के नुमाइंदे करा रहे, और कौन करा रहा है? जिनके हाथ में सत्ता है वो ही कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो एक दिन के अंदर मीटिंग बुला सकते हैं, वो सारे काम ये रोक सकता है। फिर कहता है कि नगर पालिका का चेयरमैन निकम्मा है, भ्रष्ट है, सबसे निकम्मा है, निकृष्ट है, तो उसको आपने रखा क्यों? अच्छा दिलीप जी, आपने एक आरोप लगाया वहाँ पर, ये सब है इनके द्वारा। रात को 1:30 बजे तक नोटरी की याद गई, नोटरी हुई है, नोटरी किसी बात की हुई है रात को 1:30 बजे। ये कार्यालय किसका? कांग्रेस का कार्यालय है क्या? ये एसडीएम कार्यालय नहीं है, कांग्रेस का कार्यालय है। यहाँ का विधायक गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर जो विधायक को कहते हैं, विधायक कहते हैं सबूत लाओ, अरे सबूत तो ये टीवी है, सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं, इसको देख लो, बताता ना कर ईमानदार और निष्पक्षता से देख ले, अगर सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए कल रात के फुटेज देख ले, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रदेश नेतृत्व से बातचीत की? प्रदेश नेतृत्व से हमने बात कर ली है, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब से मिली, हम कलेक्टर साहब के लिए जो भी न्यायिक कार्रवाई संभव होगी वो सारी न्यायिक कार्रवाई करेंगे। हम न्यायालयों में भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। इस प्रकार की जो लोकतंत्र की हत्या करने की जो कार्रवाई है, इसको हम सहन किसी सूरत में नहीं करेंगे। पहले तो हमारे कैंडिडेटों को धमका करके, डरा करके बिठाने का प्रयास किया, और अगर कोई हिम्मत करके मैदान में आ गया तो उसका फॉर्म खारिज कराने का प्रयास किया। कोई अगर खड़ा है उसको घर पे जाकर रिश्तेदारों से माध्यम से धमकियां दे रहे हैं, किसी की राशन की दुकान बंद करा रहे हैं, किसी की दुकान पे कह रहे हैं कि हम आपकी जीएसटी वालों को भेज देंगे, किसी को लाइसेंस खारिज करा देंगे। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से कि बाड़मेर में लोकतंत्र रहना नहीं है और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। बाड़मेर का तो भगवान मालिक है, इस प्रशासन के भरोसे, बाड़मेर के ये कांग्रेस की सरकार है, इसको भरोसे कुछ भी संभव नहीं। देखिए ऐसा है, ये सीधी सी बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ एसडीओ कार्यालय में वही हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है। यहाँ अन्याय और इतना ये जो बिल्कुल गलत हुआ है, और उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस वालों को पता है कि जनता क्या चाह रही है, जनता का रुख क्या है। जनता जिस तरीके से परेशान हुई है पिछले 10 सालों के अंदर, तो इन लोगों को पता है कि सही तरीके से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर इतनी हिम्मत है तो सीधे आमने सामने आके लड़ाई करो ना, लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसीलिए तो है, पर लोकतंत्र को ख़त्म करके और कैसे गुंडागर्दी और दादागिर्दी, कैसे दादागिर्दी करके, कैसे प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके ये फॉर्म खारिज कराना, ये उनकी बौखलाहट है, उनकी कमजोरी है। अगर सही हो और मजबूत हो तो आमने सामने आते हैं। लोकतंत्र की ये जो जिस तरीके से हत्या हो रही है, जनता इसका जवाब जरूर है। ठीक, जनता डेफिनेटली जवाब।